24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज भोपाल में शराबबंदी के लिए यात्रा निकाल रही हैं। उन्होंने कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन कर यात्रा की शुरुआत की। काली मंदिर से नीलम पार्क तक पथ संचलन के बाद उमा भारती ने नीलम पार्क में आई महिलाओं को संबोधित किया। इसी बीच फरियादी लेकर आई महिला ने उनसे कहा, मैडम मेरी बात सुनिए। उमा भारती ने मंच से ही कहा, नहीं अभी नहीं सुनेंगे हम, बिल्कुल नहीं, हम बाद में सुनेंगे। रीना डांगी काफी देर तक कार्यक्रम में फूट फूट कर रोती रही। उनका कहना था कि उनके हस्बैंड को कैंसर है, बैंक वाले उनके मकान में ताला लगा रहे हैं, परिवार को बाहर निकालने की तैयारी में है, 3 बच्चे हैं, पति को कैंसर है, हम कहां जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य मध्य प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू कराना है। आज से सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है। जब तक मध्य प्रदेश में पूरी तरह शराब बंद नहीं होती, तब तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने नारा लगवाया, महात्मा गांधी की इच्छा अधूरी है, नशा शराब पर बंदिश जरूरी है। हम गांधी जी के सच्चे भक्त हैं, हम राज्य को शराबियों से भी साफ रखेंगे और गंदगी से भी साफ रखेंगे। उमा भारती अपने समर्थकों और महिलाओं के साथ नीलम पार्क में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंची। यहां गांधी प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन धारण किया। इसके बाद वे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मध्य प्रदेश सरकार के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक भी मौजूद रहेंगे। बता दें, शराब के मुद्दे पर उमा भारती शिवराज सरकार को कई बार घेर चुकी हैं। भोपाल की शराब दुकान पर पत्थरबाजी करने के साथ समय समय पर वे आंदोलन भी करती रही हैं। 3 महीने पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज का लेटर लिखा और इसे सार्वजनिक भी किया था। लेटर में उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। उमा ने सभी भाजपा शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करवाने की मांग भी की थी। उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर मैं लगातार सक्रिय हूँ। शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मुख्य उमा ने 9 सितंबर को भोपाल में मीडिया से चर्चा की और यूटर्न ले लिया। शिवराज सरकार से नाराज दिखाई देने वाली उमा ने कहा, शिवराज जी ने शराब नीति में बदलाव का भरोसा दिया है। खुद सरकार गांधी जयंती पर प्रदेश में बढ़ रही शराब एवं नशे की लत के खिलाफ जागरूकता का कार्यक्रम करेंगी।